हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज में कई टाइप के रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि जंक्शन, टर्मिनल, रोड, हॉल्ट। उन्हीं में से एक टाइप है कैंट या कैंटोनमेंट टाइप रेलवे स्टेशन, जैसे कि आगरा कैंट, बरेली कैंट, दिल्ली कैंट। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन क्या है और यह अदर रेलवे स्टेशन से कैसे अलग है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे देश में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिशों के द्वारा की गई थी और उन्हीं के द्वारा स्टेशनों के नामकरण की शुरुआत भी की गई थी, जिसका अपना एक हिस्ट्री है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्टेशनों के नाम एक स्पेशल पर्पस से रखा जाता था, जिसमें कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। यानी कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जो किसी मिलिट्री स्टेशन के पास स्थित होते हैं। दोस्तों, कैंटोनमेंट वार्ड एक बहुत बड़ी आर्मी सेना के कैंप को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पर मिलिट्री का कैंप रहा करता था, उसी को इंडिकेट करने के लिए वहां के रेलवे स्टेशन का नाम कैंट दिया गया, जहां ट्रेनों का लिमिटेड स्टॉपेज होता था, जैसे कि दिल्ली कैंट, आगरा कैंट, बेंगलोर कैंट। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसे कैंटोनमेंट होते हुए भी जंक्शन का नाम दिया गया है, क्योंकि यहां से कई जगह से आने वाले रेलवे लाइन आकर मिलती है, लेकिन वास्तव में यह कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन है, जैसे कि वाराणसी जंक्शन, अलाहाबाद जंक्शन। अब बात करते हैं कि यह दूसरे रेलवे स्टेशन से अलग कैसे हैं। दोस्तों, कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और दूसरे रेलवे स्टेशन में अंतर वहां उपस्थित MCO यानी कि मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस का होता है। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस एक ऐसा जगह होता है जहां भारतीय सेना के जवान ड्यूटी के लिए आते हैं या जाते हैं, और यहीं पर उनके लिए ट्रेन की रिपोर्टिंग होती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन क्या होता है और यह दूसरे रेलवे स्टेशन से कैसे अलग है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।